राधे राधे दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की कथा सुनते हैं। पर कथा चालू करने से पहले आपको बता दें, ये कथा सुनने वाले को 1000 गोदान का फल मिलता है। इस कथा में ऐसा आएगा, पर ये मार्गशीर्ष महीने की इस साल 2020 में 11 दिसंबर को पड़ रही है। अब सुन लेते हैं इसकी कथा। क्या कहते हैं, युधिष्ठर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, पुण्यमयी तिथि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में ये पवित्र क्यों मानी जाती है और देवताओं को कैसे प्रिय है? ये सवाल तो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर उत्पत्ति एकादशी एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो इसमें बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं भगवान, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मूढ़ नामक दानव रहता था। वे बहुत ही अद्भुत, भयंकर, रौद्र रूप तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयानक था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन सब देवता मिलके भगवान महादेव के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव को सारा हाल कह सुनाया। इंद्र भी हार चुके हैं उस दैत्य से। इंद्र कहते हैं, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। मनुष्य के बीच में रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा लें? तब भगवान महादेव कहते हैं, हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठर, महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति करी। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हो, आप ही सब लोगों की माता और इस जगत के पिता हो। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हो। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा करो। हे प्रभो, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूढ़ नामक दैत्य ने इन सारे देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में आए। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पर इंद्र कितने नामों से भगवान को पुकार रहा है। भगवान का कोई भी नाम ले लोगे ना, तो आप पार हो जाओगे। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा, उसका रूप बल कैसा, उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तब इंद्र कहते हैं, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंद नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगर है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अब देखो, इंद्र को भी बाहर कर दिया और दूसरा इंद्र बिठा दिया। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना दिए। ओहो जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से ही वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, ए दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख,
यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो गए। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा जो दैत्यों के थे मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन वहां से बद्री का आश्रम चले गए। वहां सिनावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही हुआ था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः मैं इसे निसंदेह मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूल ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राग का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, ये मेरा शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक के मुनि और देवता आनंदित हुए, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह वर दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी मैया थी और उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रदान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को एकादशी वाले दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, जो तुम कहती हो सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर को ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष में कोई भेद नहीं है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय रहे। यह यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी का फल मिलता है, 1000 एकादशी का, तथा इस प्रकार द्वादशी में पानन करने पर 1000 गुना फल माना गया। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्थी, ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो, दूसरे दिन केवल प्रात काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को व्रत उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गोदान का पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप अपना भी भला कीजिए एकादशी का व्रत करके और अपने चहितों का भी भला कीजिए। उनके साथ भी ये कथा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दासानुदास प्रैक्टिकल सत्संग। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी अपडेट एडवांस में मिलता रहेगा। राधे राधे, एकादशी मैया की जय।